भारती काफी सीखवा हैं और वो शेख हसीना वाजिद को अब एहसान फरामोश करार देते हुए 71 के वाकयात याद गिराते नजर आ रहे हैं कि हमने तुम्हारी इतनी मदद की थी तब ही बांग्लादेश एक नया मुल्क बन के सामने आया था। आइए आपको दिखाते हैं कि भारती इस पर कैसे चीखे मार रहे हैं और बांग्लादेश को बाकायदा बद्दुआएं दी जा रही है। व्हाट्सअप गाइज असलामुअलैकुम अपनारा केमन आसें आशा करिश भाई भालो आसें आमी जुनेद अपनारा देखते सन जुनेद अली ऑफिशियल आमी अपनादर जुनू आक्ती वीडियो प्ले करते जाच्छी सबाई देखबिन आशा करिश भाई देखबिन भालो लगबे। आज बात करने वाले हैं कि बांग्लादेश ने बड़ी डील डिफेंस के हवाले से हिंदुस्तान के साथ कैंसिल कर दी और उसके बजाय तुर्की के साथ बड़ी डील कर दी है। भारतीय मीडिया का रोना धोना तो आपको पता है शुरू हो जाता है जब भी बांग्लादेश डिफेंस के हवाले से हिंदुस्तान को छोड़कर दूसरे ममालिक से मुआहदे करता है। हिंदुस्तान से ये डील कैंसिल की गई और तुर्की के साथ ये डील तय पा गई। भारतीय मीडिया का उसके बाद रोना धोना शुरू हो गया और बांग्लादेश को गालियां देना शुरू कर दी। ये तो भारतीय मीडिया का आपको पता ही है कि जब इनकी दाल नहीं गलती तो ये गालियां देना शुरू हो जाते हैं। तब तक तारीफ होती है जब तक आप उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बना के रखते हैं, उनसे चीज़ें खरीदते हैं, उनको पैसे देते हैं, तब तक आप बिल्कुल ठीक हैं, आप बहुत अच्छे हैं। जब भी आप हिंदुस्तान को छोड़कर दूसरे ममालिक की तरफ जाएंगे तो यही भारतीय मीडिया आपको गालियाँ देगा। पाकिस्तानी मीडिया इसी हवाले से क्या न्यूज़ दे रहा है आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैव वी गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम ऑफ द स्क्रीन में खुशामदे। सामने क्रम हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की खारजा पॉलिसी देखें तो उसमें नरेंद्र मोदी सरकार के होते हुए उसे जितनी नाकामियां पेश आई इससे पहले उसका कभी तसव्वुर नहीं किया गया। इसके पड़ोसी मुल्क जितने भी हैं पाकिस्तान हो चीन हो जिनके साथ उसकी दुश्मनी पुरानी है, जबकि उसके अलावा नेपाल श्रीलंका और भूटान वगैरह भी भारत को आंखें दिखाना तारीख में पहली बार लगे हैं। जबकि अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने भारतीय के औसान खता कर दिए हैं और वो खबर है बांग्लादेश से। और बांग्लादेश में इस वक्त जो हुकूमत है शेख हसीना वाजिद जो कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, उनके बारे में ये तासुर आम है कि वो भारत को अपना सबसे करीबी समझती हैं, क्योंकि भारत ने 1971 में शेख मुजीबुर रहमान की वजह से बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया था। लेकिन अब शेख हसीना वाजिद ने भी दुनिया के बदलते हुए हालात देख कर नरेंद्र मोदी सरकार को एक ऐसा झटका दिया है जिसकी गूंज अब भारत के गोदी मीडिया पर भी दिखाई दे रही है। चूँकि भारत दुनिया में तीन ममालिक को अपना सबसे बड़ा दुश्मन गर्दानता है जिसमें पाकिस्तान और चीन तो हैं ही, और तीसरा बड़ा मुल्क जो भारत को एक आंख नहीं भाता वो है तुर्की। अब चूंकि बांग्लादेश अपने दिफाई साजो सामान अमेरिका के अलावा भारत से बड़ी मिकदार में खरीदता है और उसके लिए अरबों डॉलर्स के इनके आपस में मुआहदे हुए हैं और भारत बांग्लादेश को असलहा बेचकर एक बड़ा जर मुबादला कमाता है। लेकिन अब भारत को बाईपास करके शेख हसीना वाजिद सरकार ने तुर्की के तैयब रजब उर्दगान के साथ एक बड़ी डील साइन कर दी है। इस डील में कई तरह के टैंक्स, टैंक शिकन मिसाइल और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल शामिल हैं जो अब तुर्की में बनकर बांग्लादेश को फ्राहम किए जाएंगे। आपने इससे पहले भी ये खबर सुनी होगी कि शेख हसीना वाजिद सरकार अवामी दबाव पर नरेंद्र मोदी सरकार को आंखें दिखाना शुरू हो चुकी है और उसी की ये कड़ी है कि वो मुआहदे जो भारत के साथ किए जाते थे अब भारत के दुश्मन तुर्की के साथ किए जाने लगे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान के बारे में जो सॉफ्ट किस्म के मैसेजेस सामने आ रहे हैं उन पर भी भारती काफी सीखवा हैं और वो शेख हसीना वाजिद को अब एहसान फरामोश करार देते हुए 71 के वाकयात याद गिराते नजर आ रहे हैं कि हमने तुम्हारी इतनी मदद की थी तब ही बांग्लादेश एक नया मुल्क बन के सामने आया था। आइए आपको दिखाते हैं कि भारती इस पर कैसे चीखे मार रहे हैं और बांग्लादेश को बाकायदा बद्दुआएं दी जा रही हैं। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। देश ने आखिरकार धोखेबाजी शुरू ही कर दी है तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की के साथ मिलकर कुछ ऐसा किया है जो भारत के लिए सही नहीं है। तो वहीं एक तरफ क्वाड की मीटिंग चल रही थी और दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर ने बड़ा खेल कर दिया उसी मीटिंग के दौरान। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत से सटे इस वक्त जो पड़ोसी है वो पड़ोसी कहीं न कहीं अपने काल को खुद से न्योता दे रहे हैं। अब आप देखेंगे कि भारत का सटा हुआ पड़ोसी श्रीलंका जो कभी भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता था उसने चीन के साथ जाना स्वीकार किया। हालात ऐसे हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था
बच्चा वेंटिलेटर पे है और जो कुछ रसद पहुंच रहा है वो भारत के द्वारा ही पहुंच रहा है। भारत से ही मदद मिल रही है जिसकी वजह से श्रीलंका का कुछ बचा हुआ है अभी, वरना श्रीलंका के नाम पर तो पत्ता साफ ही था। अब भारत की तरफ से जहाजों में मीट्रिक टन रसद जा रहे हैं, मीट्रिक टन सहायता जा रही है, जिसकी वजह से सारी चीजें कुछ हद तक चल रही है, पर श्रीलंका की हालत है बेहद खराब। श्रीलंका का पत्ता जहां साफ हो गया तो वहीं बात करें पाकिस्तान की, उसकी स्थिति खुद ब खुद लचर पचर है। दिख ही रही है कि अब ये देश एक गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। अब एक तीसरा देश निकल कर आया है, बांग्लादेश। बांग्लादेश की नीतियां भारत के लिए दोहरी रही है। एक तरफ से आपको दिखेंगी सारी चीजें अच्छी है तो दूसरी तरफ से दिखेंगी आपको सारी चीजें बहुत बुरी है। एक तरफ आपको दिखेगा कि हाँ भारत के साथ व्यापार बढ़ रहा है, भारत के साथ कई जगह पर रिश्ते बढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिखेगा एक ऐसा ग्रुप तैयार हो रहा है बांग्लादेश के अंदर जिनकी मानसिकता पाकिस्तान से मिलती जुलती है और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से बांग्लादेशियों के ऊपर हावी होता हुआ दिख रहा है। अब एक मेजर कम्युनिटी वहां की ऐसी बन गई है जो कम्युनिटी भारत को अपना बैरी समझती है। हिंदुओं के प्रति अत्याचार, माइनॉरिटीज के प्रति अत्याचार, ये वहां पर आम चीज हो गई है। अब ये लोग 1971 में भारत के द्वारा दिए गए मदद वगैरह को भी भूल चुके हैं और इसके कई प्रमाण देखने को भी मिल रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिश्ते खट्टे थे, खड़े ही रहेंगे, लेकिन इस एरिया में एक देश है जो घुसने की ताबड़तोड़ कोशिश करता रहा है और उस देश को अब बांग्लादेश ने एंट्री दे दी है। अगर इस वक्त आपसे कहें कि भारत के विरोधी देशों में आपको किन किन के चेहरे याद आते हैं तो पाकिस्तान तो तुरंत, चीन तुरंत नजर में आ जाएगा और एक देश जरूर नजर में आएगा और वो है तुर्की। अर्दोगन ने हाल के दिनों में इतने बयान दे दिए हैं भारत के खिलाफ कि उसका चेहरा तुरंत से आ जाता है और उसकी करतूतें भी ये बताती है कि वो भारत को कंट्रोल करने के लिए इनडायरेक्ट तौर पर बहुत सारी चीजें करना चाहता है। तुर्की ने पाकिस्तान को लेकर ये कहा कि हम पाकिस्तान की नेवी को, पाकिस्तान की सेना को मजबूत बनाएंगे, आप अगर शक्तिशाली होंगे तो हम शक्तिशाली हैं, आप अगर कमजोर होंगे तो हम कमजोर हैं। ये आधिकारिक बयान आया है तुर्की की तरफ से, लेकिन इसमें कोई दुख की बात नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि दोनों ही फटेहाल मजनू है। इस बार बांग्लादेश की समझ और बांग्लादेश की किस तरफ से बढ़ना है उनका विदेश नीति आपको इस एक झलक में समझ में आ जाएगी। बांग्लादेश ने आखिरकार तुर्की को मौका दे ही दिया। तुर्की बांग्लादेश में घुसना चाहता था और वो मौका बांग्लादेश ने दे दिया। अब इसे आप समझ लीजिए कि ये मुस्लिम मुस्लिम बोलकर, भाई भाई बोलकर ही ये काम हुआ है। दरअसल बांग्लादेश अब तुर्की के साथ मिलकर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल बनाने वाला है तुर्किश टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके। और इसके लिए सिर्फ ये फॉर्मल बातें नहीं हो रही, अभी तो बात चल रही है, बल्कि इसके लिए निर्णय भी हो चुका है कि 6 नए आर्म्स प्रोडक्शन सेंटर बनाए जाएंगे। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि जिस तरीके से एक बड़ी मानसिकता बांग्लादेश में जन्म ले रही है, ये आने वाले समय में भारत के साथ अच्छे रिश्ते होंगे इसकी परिचायक नहीं है। वहीं दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था बांग्लादेश को और कहा था कि आप हमारे साथ डिफेंस के समझौते बढ़ाओगे, लेकिन भारत के साथ डिफेंस के समझौते बढ़ाने की बजाय बांग्लादेश तुर्की के साथ डिफेंस के समझौते बढ़ा रहा है। मतलब आने वाले समय में बांग्लादेश किसे टारगेट के तौर पर देख रहा है, जिसका साफ मतलब है कि बांग्लादेश की विदेश नीति भारत को एक मित्र देश के रूप में नहीं देख रही है। यही वजह है कि वो अपने अलग अलग मित्रों का चयन कर रही है कि कल को भारत के साथ अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भारत के साथ लड़ने के लिए उसके पास कहीं और से भी हथियार हो। हालांकि आपको बता दें बांग्लादेश का इस वक्त जो जिसके साथ नहीं बनती है बांग्लादेश की, वो देश है म्यांमार। म्यांमार से रिफ्यूजी भाग भाग कर आते हैं, बांग्लादेश में शरण लेते हैं, हो सकता है इस वजह से भी इन्होंने अपनी तैयारियां की हो, लेकिन इस तरह के डिफेंस डील तो भारत के साथ भी कर सकते थे, इन्होंने भारत के साथ नहीं किया है। ये भी अब उसी रास्ते पर चल पड़े हैं जिस रास्ते पर श्रीलंका और पाकिस्तान है। तीसरे नंबर पर अब बांग्लादेश का ही नंबर आएगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ वार्ड मीटिंग में ये मोदी की बैठक के अलावे एक बैठक चल रहा था जो बेहद खास था। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, ये तस्वीर बड़ी फेमस हुई थी और इसमें कौन है, पुतिन है, जो एक गैस पाइपलाइन के पास खड़े हैं। और होता क्या है, जैसे ही पुतिन ने ये कहा कि पोलैंड और बुल्गारिया की पाइपलाइन बंद किए जाते हैं, वैसे ही 2 घंटे बाद पोलैंड ने कहा ठीक है हम रूबल्स में पेमेंट करने को तैयार। 9 घंटे बाद ऑस्ट्रिया और बुल्गारिया ने कहा हम रूबल में पैसे देने को तैयार है। 8 घंटे बाद यूरोपीय कमीशन ने कहा, यानी कि यूरोपीय देश रूबल में गैस खरीद सकते हैं। अब आप समझिए कि ये है ताकत की पावर, ऐसी ही होती है। जहां एक तरफ क्वाड की मीटिंग चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर लगातार अपने समकक्षों के साथ मिल रहे थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की नई विदेश मंत्री के साथ वो मिले और वहां उन्होंने उन्हें बधाइयां दी। तो वहीं दूसरी तरफ जापानी विदेश मंत्री के साथ भी मिले, वहां पर भी डिस्कशन चला इंडो पैसिफिक को लेकर और बाकी सारी चीजों को लेकर कि किस तरीके से रीजनल और ग्लोबल इश्यूज को हैंडल किया जा सके। आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़े गंभीर मुद्रा में बातें चल रही है। तो वहीं सबसे ज्यादा चर्चा में आई है ये तस्वीर। इस तस्वीर को देखेंगे आप तो आपको दिखेगा ब्लिंकन और डॉक्टर एस जयशंकर आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन ब्लिंकन की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रही है कि इस वक्त वो सुनने के मूड में है, सुनाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। वहीं डॉक्टर एस जयशंकर की बॉडी लैंग्वेज काफी कॉन्फिडेंट लग रही है। आपको बता दें जब 2+2 की मीटिंग हुई थी तब डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्लिंकन को सुना दिया था ह्यूमन राइट के इशू पर, मानव अधिकार के मामले में। डॉक्टर एस जयशंकर ने सीधे ये कहा था कि जिस तरीके से बाकी देश भारत में मानव अधिकार को देखते हैं, हमें भी हक है कि हम उन देशों के मानव अधिकार मामले को देखें। यानी सीधे तौर पर अमेरिका को ही समझा दिया था कि तुम्हारे अंदर भी मानव अधिकार के मसले हैं। अब उसके बाद तो ऐसा लगता है जैसे विदेश मंत्री ब्लिंकन अच्छे से समझ गए हैं कि अब भारतीय विदेश मंत्री से कैसे बात करना है। पर हाँ, इस ट्वीट में डॉक्टर एस जयशंकर ने ये कहा कि हमने यूक्रेन से लेकर सारी चीजों पर बातचीत की, जितने रीजनल इशू थे उन पर बात की। अब यूक्रेन मुद्दे का नाम आने के बाद कई लोग ये प्रश्न करने लगे कि क्या यूक्रेन पर भी बात हो रही है। आपको बता दें नॉर्मल बातें तो होती ही है। इस तस्वीर को देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे ब्लिंकन से पूछ रहे हो डॉक्टर एस जयशंकर क्यों भाई तुम कुछ मानव अधिकार के बारे में बोल रहे थे, और ब्लिंकन ऐसा कह रहे हो अब भी ना जयशंकर साहब छोड़िए उन बातों को। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्दी अगली वीडियो में नहीं।
तो जी ये थी वीडियो, और आप देखें तो भारतीय मीडिया का रोना धोना शुरू हो चुका है। गोदी मीडिया तो पहले भी ऐसे ही करता आया है कि जब भी आप हिंदुस्तान के साथ कोई मुआवजा करेंगे तो आप बहुत अच्छे हैं, आप उनके दोस्त हैं, मित्र हैं, तो यही दावे नरेंद्र मोदी भी करता है। लेकिन जब आप भारत के मुखालफत में जाएंगे, भारत से हटकर किसी दूसरे ममालिक के साथ मुआहदे करेंगे, तो यही नरेंद्र मोदी, यही अमित शाह वेस्ट बंगाल के अंदर खड़े होकर बांग्लादेश को गालियां देंगे। यही नरेंद्र मोदी है जो ढाका के अंदर खड़े होकर ये दावा करता है कि बांग्लादेश हमारा दोस्त है, हमने इसके लिए जाने दी हैं, हमने इसकी आज़ादी के लिए बहुत तहरीकें चलाई हैं और इनसे बड़ी मोहब्बत है। लेकिन जब भी देखें तो वेस्ट बंगाल में जाकर यही नरेंद्र मोदी, यही अमित शाह बांग्लादेश के अंगेंस्ट काम करते हुए नजर आती हैं, बांग्लादेश को घुसपैठिया कहते हुए नजर आते हैं, बांग्लादेशियों को निकाल फेंकने की बात करते हुए नजर आती हैं, एनआरसी लगाने की बात करते हुए नजर आते हैं, सीए कानून लगाने की बात करते हुए नजर आती हैं। और हालिया दिनों में देखें तो दिल्ली के अंदर गैर कानूनी बांग्लादेशी घुसाए हैं, यही रिपोर्टें चलाई जा रही हैं मीडिया के ऊपर। और बांग्लादेश भारत को छोड़कर तुर्की के साथ, चाइना के साथ कोई भी मुआहदा करे, भारत का उसके ऊपर इतराज रहता है। भारत ये चाहता है कि बांग्लादेश की जरूरत की तमाम चीजें भारत से जाएं, ना कि तुर्की और चीन से जाएं। तो ये थी आज की वीडियो, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप इस वीडियो के ऊपर क्या तबसरा करना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।